नमस्कार नमस्कार। जीना इसी का नाम है कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की है? खास लोगों में एक बड़ी खास बात होती है, वो ये कि उनका नाम जो है किसी आम चीज या किसी आम जगह से भी अगर जुड़ जाए तो जगह भी बड़ी खास हो जाती है। अब जैसे देखिए, एक खास शख्सियत ने यह इरादा जाहिर किया कि साहब मैं अब फलां आम जगह जो है जाने वाली हूँ। अब साहब इरादा क्या जाहिर किया कि एक ऐसा लगता था कयामत बपा हो गई, दुनिया भर में हर किसी की जबान पर जो है उसे खंडाला नाम की जगह का जो है नाम बजने लगा और आने लगा। जिसको देखो कह रहा था खंडाला साहब, खंडाला खंडाला। तो एक काम करते हैं, हम खंडाला जाने से पहले जो है इस पर्दे की तरफ एक नज़र डालते हैं और देखते हैं आज के मेहमान के बारे में कुछ खास बातें। यहाँ क्या बोलती तू? प्यार से मैं से राणा कहती हूँ। क्या मैं बोलूँ? The small girl with a very, very, very big heart. सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करूँ आके मैं खंडाला? She's still the warm, loving, caring and affectionate girl that she always was and I always knew. घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या करेंगे यार। और ये करेंगे कि इस बहुत खास शख्सियत से आज जी भर के एक बड़ी खास मुलाकात होगी। लेकिन हम अपनी खास तो साथी को तो नहीं भूल सकते ना, उनके नाम से भी जो है वो खास कमरा जो है अब बिल्कुल जुड़ गया है। और वो खास शख्सियत हमारी साथी सोनाली जी। सोनाली जी, आदाब। उस खास कमरे में क्या खास बातें हो रही हैं? बहुत सी बातें हो रही हैं। आज के जो हमारी मेहमान है बहुत स्पेशल है, चुलबुली सी पर्सन है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उनके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ फैमिली और फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है। मिले आज के हमारे मेहमान से, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं रानी मुखर्जी। आदाब 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 रानी। आपसे बातें करने को तो जाहिर है कि अब बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे बातें करें, हमारा रूल ये है इस शो का कि हम पहले पर्दे पे जो है आपके बारे में कुछ देख लेते हैं और उसके बाद जो है परत दर परत सारे राज खोलते हैं। पहले यहाँ देखते हैं पर्दे पे। ऐ रो फतेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छनछना छन ऐसे छनके कर दे सबको घायल, कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल, रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल, छन छना छन कैसे छनके कर दे सबको घायल, है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना। Everybody शावक शावक माहिया से शावक शावक। हम जो है बातें करते हैं उन लोगों से जो आपको बचपन से जानते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए राम मुखर्जी साहब और मिसेज कृष्णा मुखर्जी। आइए राम साहब, आइए सर। कृष्णा जी आइए, तशरीफ लाइए। नहीं नहीं आप यहाँ रहें, यहाँ रहें। अभी तो बहुत सी मतलब रानी की खबर लेनी है ना, कृष्णा जी यहाँ आइए। ऐसा है जी, हमेशा कैमरे के पीछे था जी, आज आपने सामने खड़ा कर दिया, बड़े नर्वसनेस हो रही है। नहीं नहीं सर, आपसे ज्यादा मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि रानी ने बतला दिया कि मैं उससे सिर्फ 3 बरस बड़ा हूँ।
जब आप लोग रानी को देखते थे कि जब वो बहुत छोटी थी और चूंकि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, राम साहब जो है डायरेक्टर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं, आपकी फैमिली में भी जुड़ा हुआ रहा ताल्लुक, तो क्या आपको ऐसा लगता था कि रानी भी जब बड़ोगी नेचुरली जो है फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको क्या लगता था? कुछ नहीं, बिकॉज इनका बहुत इच्छा नहीं थे कि मेरी एक ही बेटी है वो फिल्म लाइन में जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही बेटी है तो क्यों फिल्म लाइन में जाए? मतलब छह सात होती तो जाए। तो फिल्म इंडस्ट्री का उस जमाने में जो नुकसान हुआ था वो इस जमाने में आके उसकी भरपाई हो गई। चलिए, ये तो खैर आपने वसूल कर दिया। लास्ट बोला ये पिक्चर मैंने इनके लिए लिखी है और वो नहीं करेंगी तो होगा नहीं, मामला नहीं जमेगा। नहीं, बट ही इज आल्सो कीन टू टेक रानी, ठीक करेगी। आई मीन ओके, इफ यू राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात। और वो ट्रायल देके बोला रेडी मोस्ट थर्टेड, व्हिच वाज माय स्क्रीन टेस्ट, व्हिच इज वेरी बैड। इट्स मतलब कि बहुत ही खराब। मेरी बेटी बहुत ही खराब है इसमें। सलीम साहब ने अपना सर पीट लिया होगा यार, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया कहे ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसकी माई कह रही नहीं यार बहुत खराब है, छोड़ो। नहीं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, तो ही सेड नो, ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छी ये करेगी काम, आप एक देख के मत ये करो, ऐसा मत करो, आप यू सेड यस, देखो कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। चल, उनके बचपन की कुछ तस्वीरें देखते फिर उसकी बातें करते। सर, तस्वीरें बहुत अच्छी थी और इनकी आंखें बहुत बचपन से मालूम होता है कि बहुत खूबसूरत, एक्सप्रेसिव, बड़ी बड़ी चीजें थी। एक फोटोग्राफ में एक साहब आपके बगल में खड़े हुए थे, वो अपनी नाक में गोली मार रहे थे। वो अच्छा, आपके भाई साहब अपनी नाक में गोली मार रहे थे। मुझे ऐसी बहन के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होना, मैं अभी फौरन खुदकुशी कर लूंगा। सर, उनसे पूछते हैं, अरे राजा साहब जरा प्लीज तशरीफ लाइए। दादा वैसे आइए कृष्ण जी, आइए जी, बिल्कुल सर, राजा वेरी नाइस टू हैव यू, और ज्योति वेरी नाइस टू हैव यू। ज्योति को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ज्योति खुद जो है टेलीविजन पे देखा हुआ चेहरा है, मशहूर है, राजा की बीवी है और रानी की सिस्टर इन लॉ भी है। राजा, बचपन में जो है इन्होंने आपके साथ क्या किया था जो आप उस कच्ची उम्र में जो है खुदकुशी करने पे आए? No, no, no. He was going to kill me when I was born. And the bullet was supposed to pass through his nose, out of his head. Tell them the story. No, how you're going to kill me? Kill and all, but Dada, you were going to kill me. I used to love mom a lot, and I came to know that, you know, that she's given birth to another baby and all that. So I was very jealous about it. मैं वो उसको उठा के फेंकने वाला था। तो मुझे उठा ही लिया था, मतलब कि अभी मैं पटक दूंगा। ज्योति, आप इनकी फैमिली में कब शामिल हुई?
2 years back. और किसी ने ये नहीं कहा ज्योति को उठा के फेंक देना चाहिए ज्योति के कान में गोली मार दो ऐसा ऐसा तो कुछ राजा मुझसे पता नहीं क्यों इतना मतलब डरता था वो ज्योति को मुझसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करा था मुझे पता ही नहीं था बट माय बेस्ट फ्रेंड न्यू अबाउट हर एंड एवरीबॉडी न्यू एक्सेप्ट मी तो एक दिन मैं राजा को ऐसे ही मैं मतलब मैं घर जा रही थी शूटिंग से और मैंने देखा कि ऑपोजिट मतलब वहाँ पे राजा गाड़ी में मतलब खड़ा है और एक लड़की उसके साथ है तो मैंने राजा को फ़ोन किया एंड दादा Where are you and what's happening? So he said, no, no, I've just come here and I'm somewhere and all. I said, Dada, who are you with? So he said, nobody, I'm just going on my way and all. I said, don't lie, Dada, I'm in the opposite road. Who is with you? So Raja itna tension mein aa gaya ki usne Jyoti ko bola, tu abhi chal mere saath. To Jyoti usko koi mini mini skirt pehne hui thi. राजा उसको मतलब ट्रैफिक के बीच में राजा उसको ट्रैफिक के बीच में लेके आया मेरे पास और मैं गाड़ी में ऐसे बैठी हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि राजा के साथ मिनी स्कर्ट पहनी हुई लड़की खड़ी है और मुझे बोल रही है हेलो आई एम ज्योति मैंने बोला अच्छा फिर मुझे पता चला ये सब बात बट आई कॉट हिम रेड हैंडेड आपने ये थ्योरी जो है या ये गोली जो है राम साहब को कैसे पिलाई एक्चुअली पापा मेरे हर बात को मानते हैं इट्स अ वुमन डोमिनेटेड एब्सोल्युटली ट्रू एंड ऑन दिस वेरी वेरी डिस्पोंडेंट एंड डिजेक्टिंग एंड वेरी डिस्पेयरिंग नोट मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक मुझे पसीने छूट रहे हैं ब्रेक के बाद और अब से थोड़ी सी देर में रानी की मुलाकात अरबाज खान से मैं रानी से मिलने वाला हूं आई एम वेरी एक्साइटेड आई वांट टू सी अगर वो खुद शॉक होती है या सरप्राइज होती है तो लेट्स सी नमस्कार वेलकम बैक जीना इसी का नाम है मैं हम बातें कर रहे हैं रानी मुखर्जी से जो मुझे ये समझा रही थी कि कैसे मर्दों के ज़माने अब लद गए और सिर्फ औरतों के ज़माने हैं और मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता था उन्होंने कहा अभी आपने देखा ही क्या है अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या तो मैंने कहा अच्छा चलिए साहब मैं डरते डरते जो है इस एपिसोड को आगे बढ़ाता हूँ हम एक काम करते हैं आपकी शुरुआत के दिनों के एक दोस्त को बुलाते हैं। प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। कौन है? वो आएंगे तो बुलाते हैं। रीमा लाहिरी जो है वो भी एक जाना माना चेहरा है और इनके पिताजी तो बहुत ही जाना माना चेहरा और बहुत जानी मानी शख्सियत है बप्पी लाहिरी साहब की साहबजादी हैं और इनकी बचपन की दोस्त है तो मैं ये जानना चाहता था रीमा एक तो शुक्रिया बहुत आप तशरीफ लाई और बहुत खूब लग रही हैं आप और गले में भी आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है और मैं ये जानना चाहता था कि ये जो बचपन से एक जिसको हम बम्बई की जबान में दादा टाइप की एक पर्सनैलिटी बताते हैं वो क्या बचपन से रानी की है हाँ बचपन से बहुत ही अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पढ़ाई में बहुत खूब थी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेगी पर बचपन से ही वो मतलब द लीडरशिप क्वालिटी वाज वेरी गुड ऑफ रानी इवन इन द क्लास सब लड़के से डरते थे यू नो अय्याज के और हम लोग के सब बाप रे रानी इज वेरी पावरफुल इन द क्लास नॉट वेलकम बैक हम बातें कर रहे हैं रानी मुखर्जी से तो जब आप कॉलेज में गई तो ये क्या सोच के गई कि आप जो है मैं ये कोर्स करने वाली हूँ और ये बन जाऊँ क्या चलो कॉलेज में जाते देखते क्या होगा नहीं मैं आई जॉइन आर्ट्स विद होम साइंस मैंने आर्ट्स विद होम साइंस लिया क्योंकि मुझे आर्ट्स पढ़ना था एक साहब हैं जो वहीं से आपकी आपसे जुड़ी हुई एक शख्सियत है उनको बुलाते हैं प्लीज तशरीफ लाइए आइए 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 अमीषा जी यहाँ आ जाइए आप अमीषा रानी की कॉलेज की दोस्त जब आप पर रानी पहली बार मिली कॉलेज में हाँ जी तो आपको क्या लगा क्या मतलब रानी एक लड़की है रानी मुखर्जी कैसी लड़की है कॉलेज में मैं थोड़ा लेट आई थी तो
रानी बैक बेंच पर बैठी हुई थी. आई वॉज लेट, मैं क्लास के लिए लेट थी एज यूजुअल. और रानी को देखा उधर बैठे हुए, तो बस उसके बाजू वाली सीट खाली थी तो बस बैठ गई. हेलो हाउ आर यू, कैसे हो ये बस. नहीं तूने पूछा मुझे, शी आस्क्ड मी दैट कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू. आई सेड या ऑफ कोर्स. तो फिर वहां से दोस्ती का सिलसिला. अच्छा ये नहीं, अमीषा ने ये नहीं कभी सोचा कि यार एक लड़की अकेली बैक बेंच पर क्यों बैठी है, कोई उसके बगल में बैठने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा, ऐसा ख्याल तो नहीं आया. नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक होता ना क्वाइटली बैठी हुई थी, तो जो भी क्वाइट होता है पीछे बैठता है हमेशा नॉटी होता है. तो बस आई सेड आपने सोचा हेल्प कर लो, मैं भी वहीं जाके बैठ जाता. हां बस वो वही. फिर आप दोनों ने खूब जोड़ी बनाई. हां जी. और जो अब तक चल रही है. बस 9 साल हो गए, 9-10 साल होने वाले. भाई कुछ खाना वाना पेश करो, पसीना हो रहा है, इनको भूख भी लग रही है, और खाना खाना है. लाओ स्टार है भाई, उनके सब मूड लोग संभालने पड़ते हैं. लो भाई खाना आ गया. ये क्या है? आई डोंट बिलीव इट. ये तो केला है. और ये क्या है सब? आलू. तो खाएंगी या बाबाजी से मिलेंगी? एक काम करते हैं, आप संभाल के इसको माइक्रोवेव में रखिए जरा, हीटर पे. और प्लीज बावर्ची साहब तशरीफ लाइए. You got tablet also. Mom cooked at 5 in the morning. So sweet. जमाने की कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ तस्वीरें देखते हैं. Oh God! खाने के शॉट्स काफी थे. बहुत थे, सब जगह खाना ही था. एक आध डांस करने का भी शॉट था. क्या आप लोग कुछ ऐसा कुछ लटका वटका झटका? हाँ, एक्चुअली क्या है उसमें एक बड़ा राज है, जितना खाओ उतना नाचो, ताकि फिर जो है ना खाया पिया सब हजम हो. काम करो, वो बैलेंस करना चाहिए. तो रानी जी फुर्सत की घड़ियों में जो है मैं भी आ जाया करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नाचने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है, हल्की से. हाँ मैं इसके बारे में जरा आप कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ, तब तक आप लोग एक ब्रेक लीजिए, खाइए, डांस कीजिए, लौटिए. ब्रेक. यहाँ मेरे साथ है रानी के फ्रेंड और डायरेक्टर करण जौहर, जो मुझे बहुत कुछ बता रहे थे. आपको रानी के बारे में थोड़ा सा बताएं. रानी के बारे में मैं क्या बताऊँ, बस आई विश उसका कद थोड़ा लंबा होता. उसका ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे बहुत हंसाती है. नमस्कार, मुलाकात रानी मुखर्जी से. तो रानी जो है आपने स्कूल की, फिर कॉलेज की, और कॉलेज में होम साइंस आपने किया, जिसमें कैसे खाना वो आपने सीखा, कितना खाना वो ये बता रहे थे कि आप कैसे खाती हैं, कितना खाती हैं. होते 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 जो है आपका वो दौर आया ज़िंदगी का जिसके लिए आप अब जानी मानी जाती हैं, कि आप फिल्म इंडस्ट्री में चली गई एंड यू बिकेम अ वेरी वेल नोन एंड अ वेरी एक्नॉलेज स्टार एंड फिल्म एक्ट्रेस. वो शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल, मतलब ये आइडिया जैसा आपने बताया सलीम साहब के दिमाग में आया था, जो आपके दो घर के दोस्त हैं जी. तो उन्होंने आके क्या कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं रानी को लेना चाहता हूँ, उसमें बप्पीदा के गाने पे टाइप पे एक डांस है. उन्होंने क्या कहा क्या? मतलब हाउ डिड यू? उन्होंने एक्चुअली वो मुझे पहले भी ऑफर कर चुके थे, जब मैं 10th के बाद मुझे दो पिक्चर की ऑफर की थी. तब जब भी ऑफर की थी तो मैं मतलब रोने लग गई, क्योंकि मैं सोची थी कि ये मुझे फिल्म क्यों ऑफर कर रहे हैं. तो मुझे बहुत डर सा लग गया था कि ऐसे फिल्म ऑफर क्यों कर रहे हैं, मैं तो अभी कॉलेज में स्कूल में हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ. मतलब आपको क्या ऑफर करना चाहिए? इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप, अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप, क्या मतलब व्हाट वुड यू लाइक अस टू डू? तो मैंने तभी मतलब मना कर दिया था. फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि अरे अभी वापस ऑफर कर रहे हैं तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन अ डोर वंस ट्वाइस बट नॉट थ्राइस. तो फिर 12th के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्चुअली मुझे एक बार कलकत्ता में माय मासी वाज स्टार्टिंग अ मूवी, या देवश्री मासी वाज स्टार्टिंग अ मूवी एंड शी टोल्ड मी दैट आई एम लिटिल सुपरस्टिशन, मैं मुहूर्त शॉट नहीं दूंगी, तो वो तुम दो. तो मैंने सोचा ओके मासी की पिक्चर है. तो उन्होंने मुझे सब मेकअप वेकअप लगाया एंड कोइंसिडेंटली कुछ काली माता का कुछ गेटअप था.
ऊपर वाले क्या वेलकम बैक। मम्मी ने कहा कि ब्रेक खत्म करो, स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा लाड़ आराम नहीं होना चाहिए। हमने कहा जी स्टार्ट कर देते, मुलाकात जारी है। चलिए एक काम करते, एक डायरेक्टर को मैं बुलाता हूँ, आइए प्लीज तशरीफ लाइए। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बीचों बीच शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये कह रही थी कि जो बहुत उम्र वाले सीनियर डायरेक्टर होते हैं जी, उनको सजेशन देने में ये घबराती हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा सजेशन देने में ये घबराती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कोई सजेशन नहीं देता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है, कॉस्ट्यूम में, सीन में, डायलॉग में, मैं इसकी बातों बिल्कुल नहीं सुनता। इसीलिए आपकी फिल्में बहुत चलती हैं। थैंक यू, कीप इट अप, और आई विल बी कंटिन्यूइंग टू डू दिस। अच्छा, इनकी आपने इनको कास्ट क्या सोच के किया था? देखिए मैंने इनको मैं इन्हें बिल्कुल कास्ट नहीं करना चाहता था। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई प्लान द प्रोजेक्ट विद शाहरुख एंड काजल। तो मुझे सोचा मैं नाम कैरेक्टर टीना रखा था बिकॉज आई वॉन्टेड ट्विंकल खन्ना, जिसका नाम टीना भी है। आई हैड कंसीव द रोल विथ हर इन माइंड। तो मैं उसके पास गया कि मैंने ये कहानी लिखी है, आप प्लीज़ सुन लो। तो शी हर्ड इट, नरेशन में रोना भी आ गया, शी सेड नो। आई सेड ठीक है। तो मैं ऐश्वर्या राय के पास गया, उसने भी कहानी सुनी, उसे भी रोना आया, शी सेड नो। फिर मैं रवीना टंडन के पास गया, उसे भी रोना आया, शी सेड नो। देन मैं टब्बू के पास गया, उसे बहुत रोना आया, शी स्टिल सेड नो। शी सेड प्लीज, शी सेड नो। तो मैंने सोचा कि आप शायद मुझे ही करना पड़ेगा ये जो। रानी मुखर्जी से बातें हो रही हैं और बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है। मैं चाहता हूँ कुछ खुल के सच्ची बातें, ऑनेस्ट बातें, अंदर की बातें भी आ रहा है। एक बेचारे नए नए आए हुए एक एक्टर, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बहुत डरे हुए थे, उनका मैं पर्दे से कह देता हूँ, तो डरते डरते वहाँ से कह रहे हैं। सरप्राइज सरप्राइज, हाय रानी, शो यू डिडंट एक्सपेक्ट मी हियर, सॉरी आई कुडंट बी देयर, बट कुडंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू और टॉक अबाउट यू, बिकॉज यू आर वन ऑफ माई फेवरेट पीपल। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट डे व्हेन आई केम टू शूट फॉर साथिया। As this newcomer coming to meet the Rani Mukherjee, the star, and I remember I came in, I started looking around for you, and they said you were on set. So I went in on set expecting to, you know, do one of those formal hello and get back one of those hi, you know, those ones. But as soon as I reached on, I couldn't find you. And the best way to locate Rani Mukherjee on a set, by the way, is look around wherever you hear the maximum noise. And you hear the maximum people laughing, smiling, and full masti, full on, going on. You'll find Rani Mukherjee right in the center there. The most amazing thing about you is that smile. I'm sure you're smiling it right now. Yeah. It just starts on your face and then just goes right into your eyes and lights up the whole room. I wish you all the happiness, me and Gurpreet. We always want you to be happy and always smiling that smile. Wish you all the best, Rani. Thanks. Yes, sir. एक साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उनका सर नेम है खान। अच्छा। अब बुलाता हूँ। खान साहब प्लीज इधर आइए। और एक दूसरे को जाने लगे, लेकिन जैसे मैंने अभी विकी को सुना, द मोमेंट आप रानी को मिलते हो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली यू काइंड ऑफ फॉल इन लव विद हर, यू लाइक हर, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, हर वाइब्रेंट स्माइल, हर लवली आईज, एंड शी इज वंडरफुल पर्सन टू बी विद। एंड On the set, she makes everybody happy. She's unbelievable, really. I don't know.
अच्छा आप भी कुछ अरबाज के बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं अरबाज तो खैर मेरा बहुत ही स्पेशल कोस्टार है क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हेलो ब्रदर में इसलिए हुई क्योंकि आई गॉट टू नो द खान फैमिली मतलब सलीम अंकल आंटी सलमान अरबाज सुहेल और सब लोग उस घर में इतना मुझे उन्होंने प्यार दिया और मुझे तभी आई वॉज जस्ट आफ्टर लाइक कुछ कुछ होता है इट वॉज लाइक माई फर्स्ट फिल्म आफ्टर कुछ कुछ होता है दैट आई साइंड एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन लेकिन मुझे इतना प्यार मिला और इतना कंफर्ट लेवल था उनके ग्रुप में काम करने का उनके होम प्रोडक्शन में काम करने का दैट आई फेल्ट रियली लाइक फैमिली तो एंड ऑफ कोर्स अरबाज एंड सोहेल वो लाइक मतलब हम लोग तीन ज़्यादा बात करते थे ज़्यादा मतलब हंसी मजाक कम बात करते थे ये ज़्यादा बात करते थे हम कम बात करते थे ये बात करती थी तो हम बहुत आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम दैट इज व्हाट आई ऑलवेज शिकायत है हंसती नहीं है But my association has been with him, with her as an as an actor, and we were also producers of the film. And in any aspect, I'm sure just jitne logo ne Rani ke saath kaam kiya apne life mein, she has touched them in some way or the other in their hearts. And every producer would want to work with her, every actor would want to work with her, and she is just a delight to have on as a friend and as a professional. She's unbelievable, and I mean it. मैंने भी एक घंटे से लगभग आपने काफी लोग बुलाए बड़ी जोर से तालियां वालियां बज रही है सब रानी के पड़ोसी वगैरह लगते हैं मैंने भी एक घंटे से इनके साथ लगभग काम किया है एंड शी इज रियली टच्ड मी इन माय स्वीट टूथ तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इनका भी मुंह मीठा किया जाए और ज्योति प्लीज बी रेडी फॉर सम रियल केक कमिंग योर वे क्योंकि ये चखेंगी और फिर बाकी आपको खाना प्लीज रानी का मुंह मीठा किया जाए क्या बोलते हैं आप जीना इसी का नाम है हम भी यही कहते हैं जीना इसी का नाम है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है वादा रहा आदाब